गुड मॉर्निंग, मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चरर मैथमेटिक्स गुड्डा पब्लिक स्कूल। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने 7.1 के कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज अपन 7.1 का पांचवा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें एक फलन दिया गया आपको √1 + x - √1 - x बटा √1 + x + √1 - x। इसका हमें अक्ष की सापेक्ष अवकलन करना है, और इसका अक्ष की सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले हम इसका परिमेयकरण कर दें, यानी इसके अंश और हर को हम √1 + x - √1 - x से गुणा कर दें। तो इसको जब अपन गुणा करें √1 + x - √1 - x बटा √1 + x - √1 - x, तो आपका ये जो मान है ये मान होगा y = a - b × a - b का रूप है, क्या हो जाएगा a - b² तो यहाँ हो जाएगा √1 + x - √1 - x² बटा, यहाँ a + b × a - b का रूप जो होता है a² - b² तो एक ही जगह √1 + x है तो √1 + x² -b² b की जगह √1 - x है तो √1 - x² या y = इसको जब हम बोलेंगे a² तो √1 + x² करेंगे तो 1 + x प्लस b² इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x -2ab a की जगह √1 + x b की जगह √1 - x बटा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 + x इसका स्क्वायर करेंगे 1 - x तो y = आपको मान प्राप्त हो गया 1 और 1 2, अक्ष से आपका अक्ष कैंसिल हो जाएगा, -2 × √1 - x² इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 - x² आ जाएगा बटा, हर में मान 1 + x इसको करेंगे -1, ये माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस का अक्ष, यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, और आपके पास से जो मान बचा वो मान आपके पास बचा y = अंश में से 2 हमने कॉमन ले लिए, और जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा या -√1 - x² बचेगा, तो 2 × √1 - x² बटा अक्ष, और अक्ष को जोड़ देंगे तो यह मान हो जाएगा 2 अक्ष, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका, और y का मान आ गया आपके पास 1 - √1 - x² बटा अक्ष। अब हम अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो ये 2 फलनों का भागफल है, और 2 फलनों के भागफल के रूप में अपन अवकलन करें, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो अवकलन हो जाएगा d / dx of y = d / dx of 1 - √1 - x² / x, ये तो आपका हो जाएगा dy/dx, हर की जगह मान अक्ष इंटू अंश का अवकलन, तो d / dx of 1 - √1 - x² -1 - √1 - x² इंटू हर का अवकलन d / dx of x बटा हर का स्क्वायर या अक्ष का स्क्वायर हो जाएगा, या dy/dx बराबर मान अक्ष इसका अवकलन करेंगे 1 का तो 0, इसका रूट अक्ष के रूप में होगा 1/2 √x² तो ये हो जाएगा -1/2 √1 - x². इसका फिर से आप अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 होगा, अक्ष स्क्वायर का 2 अक्ष होगा, माइनस निशान पे हो जाएगा -2 अक्ष, माइनस ये मान ऐसा कैसा 1 - √1 - x², अक्ष का अवकलन हो गया 1/x², यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और उसके बाद जब अपन सरल करें तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो यह मान आ जाएगा dy/dx = ये अक्ष और अक्ष गुणा होंगे x², माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस, तो यह मान हो गया x² / √1 - x², ये माइनस निशान से गुणा होगा तो -1 और प्लस का हो जाएगा √1 - x²
बटा हर में मान है आपके पास एक्स स्क्वायर, या डिवाइड बटे डी एक्स बराबर इस मान में यदि हम अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर लघुतम ले लें, ये लघुतम लेंगे ये मान आपका ऐसा कैसा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन से ये गुणा होगा तो माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मान इससे गुणा होगा तो मान आएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और आपका डिवाइड बटे डी एक्स का मान आ गया प्लस का एक माइनस का अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, और हर में भी मान है आपके पास एक्स, ये एक्स भी यहाँ आ जाएगा, ये एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन हो जाएगा कि डिवाइड बटे डी एक्स का जो मान है वो जाएगा एक माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, उसके अंदर फिर अपन को एक फलन दिया गया, उस फलन का हमें अक्ष के सापेक्ष से अवकलन ज्ञात करना है। तो वहाँ आपको एक फलन दिया गया है y बराबर log अंडर रूट एक प्लस साइन अक्स, y बराबर log अंडर रूट एक प्लस साइन अक्स बटा एक माइनस साइन अक्स, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना। तो इसका हम अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करें तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने के लिए ये जो मान इसके अंश और हर को हम एक प्लस साइन अक्ष से गुणा कर दें, किसको हम गुणा कर दें एक प्लस साइन अक्ष से, जब एक प्लस साइन अक्ष से गुणा किया तो ये मान हो जाएगा वाई बराबर लोक, ये तो जाएगा आपका एक प्लस साइन अक्ष का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक माइनस साइन स्क्वायर अक्ष का अंडर रूट, या वाई बराबर ये मान हो जाएगा लोक एक प्लस साइन अक्ष का होल स्क्वायर बटा, क्योंकि एक माइनस साइन स्क्वायर अक्ष बराबर होता है कॉस स्क्वायर अक्ष, यह मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर अक्ष का अंडर रूट, या ये मान हो गया वाई बराबर लोग वर्गमूल जब अपन हटाएंगे तो एक प्लस साइन अक्ष बटा कॉस अक्ष, और इन दोनों पदों को यदि अपन अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे तो मान हो जाएगा वाई बराबर लोग एक प्लस साइन अक्ष को लिख दिया एक बटा कोस अक्ष प्लस साइन अक्ष बटा कोस अक्ष, इस रूप में कर दिया, या वाई बराबर ये मान हो जाएगा लॉग एक बटा कोस अक्ष होता है सेक अक्ष और साइन अक्ष बटा कोस अक्ष होता है टेन अक्ष, तो लोग सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और इसका अवकलन करने के लिए पहले लोग अक्ष के रूप में अवकलन करें एक बटा अक्ष, अक्ष की जगह आपके पास ये मान है तो पहले हो जाएगा एक बटा सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, फिर ये स्वयं भी फलन है इनके अवकलन करेंगे सेक अक्ष का करेंगे तो सेक अक्ष इंटू टेन अक्ष, और टेन अक्ष का यदि अपन करेंगे तो सेक स्क्वायर अक्ष, तो डी बटा डी अक्ष ऑफ वाई बराबर डी बटा डी अक्ष ऑफ लोग सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, या डीवाई बटे डी अक्ष बराबर लोग अक्ष के रूप में एक बटा अक्ष तो हो जाएगा एक बटा सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, ये स्वयं भी फलन है इनके अवकलन करें तो डी बटा डी अक्ष ऑफ सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, या डीवाई बटे डी अक्ष बराबर एक बटा सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, या सेक अक्ष का अवकलन किया जो हो गया सेक अक्ष इंटू टेन अक्ष, इस टेन अक्ष का अवकलन करेंगे जो होगा सेक स्क्वायर अक्ष, या डिवाइड बटे डी अक्ष बराबर यदि हम इन दोनों पदों में से सेक अक्ष कॉमन ले लें, जब सेक अक्ष कॉमन लेंगे या टेन अक्ष बचेगा या सेक अक्ष बचेगा, तो सेक अक्ष हमने कॉमन ले लिया और सेक अक्ष कॉमन लिया तो इस पद में सेक अक्ष और इसमें बच जाएगा प्लस का टेन अक्ष बटा, हर में पहले से मान अपने पास सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष, इस एक अक्ष प्लस टेन अक्ष से एक अक्ष प्लस टेन अक्ष कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल हो गया तो आपके पास डीवाई बटे डी एक्स का मान बच गया डीवाई बटे डी एक्स बराबर से एक अक्ष, ये अक्ष के सापेक्ष आपका अवकलन होगा, तो दिए गए फलन का जो अवकलन है वो बराबर आ जाएगा सेक अक्ष। फिर दसवां प्रश्न है, उसके अंदर फिर एक लघुगणकीय फलन हमें दिया गया है, उसका हमें अक्ष के सापेक्ष से अवकलन करना है। प्रश्न आपको दिया गया है
वाई बराबर लोग अक्स प्लस अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए। इसका हमें अक्ष के सापेक्ष से अवकलन करना है। लोग अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए। तो इसका अवकलन करने से पहले इस फलन को मैं सरल कर लें। इसमें लघु गणक का गुणधर्म लग रहा है लोग एम बटा एन का रूप है जो बराबर होता है लोग एम माइनस लोग एन। और उस रूप के अंदर जब हम इसको लिखेंगे ये मान हो जाएगा वाई बराबर लोग अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एन लोग ए। और अब अक्ष की सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर दें तो डी बटा डी अक्ष ऑफ वाई बराबर डी बटा डी अक्ष ऑफ लोग अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी बटा डी अक्ष ऑफ लोग। इसका तो अवकलन आपको प्राप्त हो जाएगा डी वाई बटे डी अक्ष। और इसका हम लोग अक्ष के रूप में अवकलन करेंगे तो पहले एक बटा अक्ष अक्ष की जगह ये पूरा मान आएगा तो पहले तो इसका अवकलन हो गया एक बटा अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये स्वयं भी फलन है इनका हम फिर से अवकलन करें तो डी बटा डी अक्ष ऑफ अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ इसका अवकलन अपन करेंगे एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो। तो डी वाई बटे डी अक्ष बराबर एक बटा अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अवकलन किया अक्ष का एक हो गया। इसका रूट अक्ष के रूप में करेंगे एक बटा दो अंडर रूट अक्ष अक्ष की जगह आपके पास अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और फिर अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो फलन है हम इसका फिर से अवकलन करें तो डी बटा डी अक्ष ऑफ अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या डी वाई बटे डी अक्ष बराबर मान हो जाएगा एक बटा अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ एक प्लस एक बटा दो अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अक्ष स्क्वायर का अक्ष की घात एन के रूप में अपन अवकलन करेंगे अवकलन होगा दो अक्ष ए स्क्वायर का हो जाएगा जीरो। ये दो से दो भी कैंसिल हो गया और आपके पास यहाँ मान बच गया डी वाई बटे डी अक्ष बराबर एक बटा अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक प्लस अक्ष बटा अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका हमने फिर से अवकलन किया ये अवकलन आपका हो गया यहाँ अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से अवकलन कर दिया तो ये फिर मान आपके पास आ जाएगा ये। अब डी वाई बटे डी अक्ष बराबर एक बटा अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां लघुतम ले लें हम अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक से गुणा करेंगे अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये मान आपका आ जाएगा अक्ष। तो ये मान आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मान जब आपका इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास मान बचा डी वाई बटे डी अक्ष बराबर यह मान बच गया अंश में एक और हर में मान है अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिए गए फलन का जो अवकलन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा एक बटा अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद फिर एक लघुगणक के फलन हमें दिया गया है जिसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो उसके अंदर आपको एक फलन दिया गया है वाई बराबर 11 का जो क्वेश्चन है उसमें एक फलन दिया गया हमें वाई बराबर लोग अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन बटे अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस वन माइनस अक्ष प्लस वन। ये एक फलन दिया गया है और इस फलन का हम अक्ष के सापेक्ष जब अवकलन करें तो जैसे जैसे पूर्व के प्रश्न में लोग एम बटा एन को हमने लोग एम माइनस लोग एन के रूप में लिखा था उसी प्रकार से यदि हम इसको लोग एम माइनस लोग एन के रूप में यदि लिख दें तो वाई बराबर मान हो जाएगा लोग अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन माइनस लोग अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन। और अब हम अक्ष के सापेक्ष यदि इसका अवकलन करें तो डी बटा डी अक्ष ऑफ वाई बराबर होगा डी बटा डी अक्ष ऑफ लोग अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन
माइनस डी बटा डी एक्स ऑफ लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका तो अवकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स, और इसका अवकलन जब अपन करेंगे लोग अक्ष के रूप में एक बटा अक्ष, अक्ष की जगह आपके पास ये मान है, तो पहले तो इसका अवकलन हो गया एक बटा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन, ये स्वयं फलन है, इसका फिर से अवकलन करें अपन तो d बटा डी एक्स से ऑफ अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन, ऐसे हम इसका लोग अक्ष के रूप में अवकलन करेंगे एक बटा अक्ष के रूप में, तो पहले तो होगा एक बटा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, और फिर जब स्वयं फलन इसका अवकलन अपन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, या डीवाई बटे डी एक्स बराबर इसका जब अपन अवकलन करेंगे ये तो मान आपका हो गया एक बटा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन, और इसका अवकलन करेंगे अक्ष स्क्वायर का दो अक्ष हो गया, अक्ष का अवकलन एक हो गया और एक का अवकलन जीरो हो गया, माइनस ये मान आपका एक बटा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, या फिर अक्ष स्क्वायर का अवकलन किया हमने दो अक्ष, अक्ष का अवकलन किया एक और अक्षर राशि एक का अवकलन हो जाएगा जीरो, तो डीवाई बटे डी अक्ष या लघुतम ले लो, लघुतम आ जाएंगे अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन इंटू अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, तो ये जो मान आपका दो अक्ष प्लस वन, ये दो अक्ष प्लस वन तो गुणा हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन से, और ये जो मान आपका दो अक्ष माइनस वन, ये दो अक्ष माइनस वन गुणा हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन से, इसको जब अपन हल करें तो डीवाई बटे डी एक्स बराबर गुणा कर दो दो अक्ष को अक्ष स्क्वायर से गुणा किया दो अक्ष की घात तीन, फिर इसे दो अक्ष को हम माइनस अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस का दो अक्ष स्क्वायर, फिर दो अक्ष को हमने एक से गुणा किया तो प्लस का दो अक्ष, फिर प्लस वन से इनको गुणा करेंगे तो आएगा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, ऐसे ही यहां अपन इस दो अक्ष से इसको गुणा करेंगे माइनस दो अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस दो अक्ष की घात तीन, माइनस दो अक्ष की घात तीन, फिर माइनस दो अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे माइनस दो अक्ष स्क्वायर, और इसी प्रकार से माइनस दो अक्ष को एक से गुणा करेंगे तो माइनस का दो अक्ष, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस वन, प्लस वन से इनको गुणा करेंगे तो आपके पास मान आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस वन, बटा हर में जो मान है इनको गुणा करो, और इनको जब अपन गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर को अक्ष स्क्वायर से गुणा किया अक्ष की घात चार, फिर अक्ष स्क्वायर को माइनस अक्ष से गुणा करेंगे माइनस अक्ष की घात तीन, अक्ष स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो प्लस का अक्ष स्क्वायर, फिर अक्ष से गुणा करेंगे अक्ष स्क्वायर को तो अक्ष की घात तीन, फिर अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो माइनस अक्ष स्क्वायर, एक से गुणा करेंगे अक्ष, और अब एक से इन सबको गुणा करेंगे तो मान आएगा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस वन, तो डीवाई बटे डी अक्ष, यहां ये दो अक्ष की घात तीन से दो अक्ष की घात तीन कैंसिल होगी, इसी प्रकार से ये दो अक्ष से ये दो अक्ष कैंसिल हो गया, या इस माइनस अक्ष से ये प्लस अक्ष कैंसिल हो गया, और आप देखिए माइनस दो अक्ष स्क्वायर और माइनस दो अक्ष स्क्वायर हो गए, माइनस के चार अक्ष स्क्वायर और प्लस के आपके पास है दो अक्ष स्क्वायर, आपके पास मान बच गया माइनस का दो अक्ष स्क्वायर, संख्यात्मक मान में प्लस वन और प्लस वन प्लस टू, ऐसे हर में जो मान है उनमें आप देखिए अक्ष की घात तीन अक्ष स्क्वायर से तो आपका अक्ष स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से माइनस अक्ष से आपका प्लस अक्ष कैंसिल हो गया, ये अक्ष की घात तीन से आपकी अक्ष की घात तीन कैंसिल होगी, और हर में बच गया अक्ष की घात चार प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस वन, या डीवाई बटे डी अक्ष बराबर दो कॉमन ले लें बच गया एक माइनस अक्ष स्क्वायर बटे अक्ष की घात चार प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस वन, ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा।